आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। कन्नौज के छिबरामऊ स्थित जेबीजी नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने एक अनोखी पहल करके वाटर को बर्बाद होने से बचाने का संदेश दिया। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि कोई भी इंसान बिना पानी के नहीं रह सकता है, इसलिए पानी उपयोग सीमित करें और पानी की बर्बादी को रोकें। विश्व वाटर दिवस के रूप में आज स्कूल के बच्चों ने नगर की जनता को संदेश देते हुए कहा कि जहां जल निगम की लापरवाही सामने नजर आती है, वहां पर लोग स्वयं ही आगे बढ़कर मदद करें, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि वाटर उचित मात्रा में ही खर्च किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। पहले पानी बहुत ही आसानी से मिलता था, आज पानी का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसलिए आज वाटर दिवस के रूप में आम जनता से आह्वान किया गया है कि अपनी जिम्मेदारी के रूप में वाटर को जरूरी समझें। कन्नौज से मोबीन मंसूरी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। 22 मार्च इज विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन मकसद है कि हम अपनी जनता और पॉपुलेशन और वर्ल्ड पूरी दुनिया को ये समझा सकें कि पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि पानी को कतई बर्बाद ना होने दें, किसी कीमत पर ना बर्बाद होने दें। जैसे भी हो, वेस्ट वाटर को भी, खराब वाटर को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करें, उसको भी बर्बाद होने से बचाएं। ये हम सबका दायित्व है कि क्योंकि ये खुदा की नेमत है, भगवान की नेमत है, उसने हमको बिना पैसे के दिया और इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। जब हम जीवित नहीं रह सकते तो उसको हमको बचाने का सबका दायित्व है, कर्तव्य है, इसका निर्वाह करना चाहिए। हमारा स्कूल जेबीजी आज के दिन इसको रैली को निकाला, जेबीजी स्कूल से लेके गेस्ट हाउस, छिबरामऊ गेस्ट हाउस तक की सभी जनता जो यहाँ की है, पॉपुलेशन है, जो भी यहाँ इंसान है, वो इस चीज़ को समझें, पानी को बर्बाद करने से खुद रोकें और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें कि कैसे पानी का इस्तेमाल करें और रोका जा सके। थैंक यू वाला।